चलिए आज हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में जो फिजिक्स में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसके बारे में आप पढ़ भी चुके होंगे। आज हम उसके बारे में देखेंगे कि किस तरीके से उस प्रमेय को हम समझते हैं और उसको हम किस तरीके से डिराइव करेंगे। तो चलिए देखते हैं गॉस का प्रमेय। यह एक महत्वपूर्ण प्रमेय है और इस महत्वपूर्ण प्रमेय को कैसे डिराइव करते हैं उसके विषय पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम जानते हैं गॉस का प्रमेय क्या होता है। गॉस का प्रमेय एक बंद पृष्ठ पर अंदर आवेश स्थित जो आवेश होंगे वहां पर कुल आवेश का टोटल 1/0 टाइम्स उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। यानी यहां पर यदि हम गॉस प्रमेय को देखें तो किसी बंद पृष्ठ पर, यहां ये देखें किसी बंद पृष्ठ या हम इसको गॉसियन सरफेस कहेंगे, गॉसियन सतह पर उपस्थित आवेश यानी यहां पर ये कुल आवेश होगा, उपस्थित आवेश यानी कुल आवेश वन अपान एप्सिलॉन जीरो, कुल आवेश का 1/0 गुना होता है उसका विद्युत फ्लक्स। यानी किसी भी बंद पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का यानी कुल आवेश का 1/0 गुना होता उसका जो विद्युत फ्लक्स होगा। अब यहां पर इसको यदि मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली यहां पर ये देखेंगे तो ये हो जाएगा फाइ ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, ये जो होगा गॉस थ्योरम होगा। यानी फाइ ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, क्यू यहां पर टोटल चार्ज होगा और एप्सिलॉन नॉट जो होगा या एप्सिलॉन जीरो जो होगा उसका 1/0 टाइम्स होगा टोटल चार्ज का। अब यहां पर देखते हैं कि गॉस के प्रमेय को हम किस तरीके से समझेंगे। तो यहां पर देखिए क्या क्या चीज होगा। पहला चीज होगा इसमें फ्लक्स के बारे में, पहला चीज यहां पर फ्लक्स क्या होगा तो यहां से फ्लक्स क्या होगा इसके बारे में देखेंगे। दूसरा चीज यहां पर क्या होगा, क्लोज्ड सरफेस, यहां पर ये जो होगा क्लोज्ड सरफेस एक बंद पृष्ठ होगा और उसमें विद्युत फ्लक्स बनेंगे। और फ्लक्स और क्लोज सरफेस यहां पर जैसे हम इसको जब डिराइव करेंगे तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं, मान लेते हैं ये एक बंद पृष्ठ इस तरीके से है, ये क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ द सरफेस होगा। और यहां पर अपन ये सपोज करते हैं कि यहां क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज है। अब इस प्लस क्यू चार्ज के ड्यू टू इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होंगे और यहां पर विद्युत बल रेखाएं भी बनेंगे। और ये विद्युत बल रेखाएं यहां पर हम एक छोटा सरफेस सपोज कर लेंगे, ये छोटा सा सरफेस हम यहां पर सपोज कर लिए, ये सरफेस हम इसको क्या सपोज करेंगे डी एस। एक स्मॉल एरिया में से टोटल जो लाइन्स इसमें फ्लो होंगे वो यहां पर हमने क्या सपोज कर लिया डी एस। अब यहां से जो फ्लक्स इस तरीके से निकलेंगे ये इस तरीके से, हम यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर सपोज करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया ई हो गया। और यहां से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन इस तरीके से इसमें फ्लो होंगे, यहां पर हमने क्या सपोज कर लिया एक पॉइंट सपोज कर लिया, ये पॉइंट हो गया O और इस पॉइंट को हमने क्या सपोज कर लिया P। अब O से P के बीच के डिस्टेंस को हमने क्या सपोज कर लिया
r सपोज कर लिया, तो o से p के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया r, और ये जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो एक स्मॉल एरिया में से फ्लो हो रही हैं, और यहां पर प्लस q चार्ज के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, e हो गया। अब यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा यहां से e और ds, अब ये जो होगा एक यूनिट वेक्टर हम क्या ले लेते हैं, एन ले लेते हैं, जो उसके डायरेक्शन को शो करेगा। अब यहां पर इस प्लस क्यू चार्ज की ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या बनेगा, ई। तो ई इज इक्वल टू, यहां से हम यदि अपन देखते हैं देखें तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज की ड्यू टू यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, ई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन क्या होगा, आर स्क्वेयर। अब यहां से इस प्लस क्यू चार्ज के ड्यू टू यहां से बहुत सारे बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पर्टिकुलर एरिया में से फ्लो होगा, तो हमारे यहां पर कॉन्सेप्ट आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डेफिनेशन होगा ये होगा फाइ ई इज इक्वल टू ए डी एस एंड कॉस थीटा, ये यहां पर हो जाएगा फाइ ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। अब एक पर्टिकुलर एरिया के लिए है तो यहां पर फ्लक्स भी क्या होगा, स्मॉल होंगे इसमें, यानी इट कैन बी रिप्रेजेंट एस, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं डी फाइ ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस थीटा। अब यहां पर ई डी एस कॉस थीटा ई की वैल्यू हम यहां पर पुट ऑफ कर देंगे तो ये जो होगा डी फाइ ई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी एस q अपॉन r स्क्वेयर एंड डी एस कॉस थीटा, ये डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहां से एक पर्टिकुलर एरिया चूंकि ये क्लोज सरफेस में है तो क्लोज्ड इंटीग्रल जो होगा उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे जो टोटल सम को वह रिप्रेजेंट करेगा, तो यहां से हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहां से ये हो जाएगा क्लोज्ड सरफेस s ऑफ d phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वेयर डी एस एंड कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अब यहां से इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां पर वन इंटू डी phi e है तो यहां से वन इंटू डी phi e का जो इंटीग्रेशन होगा यहां पर हमको क्या मिल जाएगा, phi E हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। और यहां से हम क्या करेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 को बाहर ले लेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था सॉलिड एंगल के बारे में, तो वहां जो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट होगा यहां से डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर, तो यहां से डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहां से ये होगा फाइ ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो और ये जो होगा डी ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब चूंकि यहां पर ये देखिए ये क्या है, टोटली क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस ये जो होगा ये 360 डिग्री एंगल पर बना हुआ है, तब हम सॉलिड एंगल यानी डी ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा का जो कॉन्सेप्ट होगा हम यहां पर फाइ ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 4 पाई से इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से 4 पाई यहां से कैंसिल हो जाएगा और यहां से phi e इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये जो होगा गॉस का प्रमेय होगा, यानी गॉस का जो प्रमेय होगा यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके टोटल चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स होता है और यही कहलाता गॉस का प्रमेय। यानी गॉस का प्रमेय टोटली क्या होगा, चार्ज पर डिपेंड होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर डिपेंड होगा। यदि चार्ज ज्यादा होंगे, यहां पर देखिए phi e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, यहां से हमारा कांसेप्ट क्या निकला, phi e is directly proportional to charge q and phi e is inversely proportional to 1 upon epsilon 0. Epsilon 0 ये permittivity of electric field होगा और यहाँ पर electric permittivity यदि ज्यादा है तब के condition पे flux कम होंगे और यहाँ पर जितना ज्यादा charge होगा उतना ही इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन 0 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो इस तरीके से हम गॉस के प्रमेय को इलेक्ट्रिक फ्लक्स और क्लोज सरफेस ऑफ इंटीग्रल के कांसेप्ट से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और उम्मीद है कि यह जो गॉस का प्रमेय होगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इस तरीके से हम अगले वीडियो में गॉस प्रमेय के एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। दूसरे यहां पर एक सीरीज में, इस वीडियो के सीरीज में हम देखेंगे कि कूलम्स लॉ गॉस थ्योरम से कैसे डिराइव करते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम देखेंगे गॉस प्रमेय से कूलम्स के प्रमेय से गॉस प्रमेय को कैसे डिराइव करते हैं और उसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में, और इस तरीके से आप गॉस प्रमेय को प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।